तेज बारिश होगी तो पुल की क्या हालत होगी? कह रहे हैं कि बद्रीनाथ की यात्रा बंद हुई पड़ी है, लैंडस्लाइड। ये मुझे बोल बोल कर ये जला रहे हैं कि हम लोग घूम कर आ गए और तुम नहीं भाई। तो यहाँ पर बेडिंग की जो व्यवस्था है कुछ इस प्रकार से, तो सुबह सुबह गुरुवार की पहली चाय। तो अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और देखिए मॉर्निंग में बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो बारिश सुबह 2 बजे से स्टार्ट थी, हमारा प्लान था कि 3 बजे हम लोग नीचे गोविंद घाट के लिए निकल जाए। तो अभी भी आज का जो वीडियो ब्लॉग है वो रास्ते का नहीं बन पाएगा क्योंकि बारिश हो रही है। तो अभी मैं पोंचू पहनता हूँ और निकलता हूँ हमारे ट्रैक की ओर। हम लोग हेलीपैड के पास पहुंच गए हैं और यहाँ पर भी बारिश हो रही है और देख सकते हैं कि सब के सब जादू बने बैठे हैं। और अभी यहाँ का वेदर कुछ ऐसा है भाई, और देखिए हेलीपैड बिल्कुल सूना सूना। और यहाँ पर जो हेली सर्विस है वो बिल्कुल बंद हुई पड़ी है क्योंकि पिछले 2 दिनों से दिन और रात पूरा टाइम यहाँ पर बारिश हो रही है और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। हेमकुंड साहब का जो ट्रैक है वो बारिश के समय कुछ ऐसा हो जाता है। यहाँ पर चलना तो हर कोई पसंद करेगा पर बारिश ज़्यादा भी खराब करती है भाई। जादू लोग आ रहे हैं, जादू हेलो। तो आते समय यहाँ पर हमें वाटरफॉल एक भी दिखाई नहीं दिया, तो अब बारिश की वजह से देखिए कि यहाँ पर झरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो फिलहाल अभी फिर से बारिश तेज होने लग गई है। तो आने वाले समय में आपको जो हेमकुंड साहिब का जो रास्ता है वो आपको ये देखने को मिलेगा, और जो ये सामने देख रहे हैं नया पुल वो होगा। तो आपको नीचे जो ये वाला ट्रैक आपको कभी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। देखिए नदी उफान में भाई, कितना तेज पानी हो गया, मतलब आते समय इसका जो बहाव था वो बहुत कम था और अब इसका बहाव काफ़ी तेज हो गया। और कल मॉर्निंग से बारिश लगातार हो रही है और अभी भी देखो बारिश। तो देख लीजिए कि यहाँ पर जो नदी का बहाव है वो कितना तेज हो गया है और हमारे सारे भाई जादू बन के घूम रहे हैं। और भाई बारिश के मौसम में बस एक ही बात कहूँगा कि थोड़ा बारिश रुक जाने दो, वेट करो फिर जाइए, क्योंकि अभी देखिए इस ये जो पुल है इसकी कैपेसिटी 5 लोगों की है, इससे ज़्यादा की नहीं। और जो नया पुल है वो वहाँ पर बन रहा है, आपको मैंने दिखाई दिया, और अभी नदी का बहाव इस पुल से थोड़ा सा ही नीचे है। तो जब तेज बारिश होगी तो पुल की क्या हालत होगी ये आप सोच सकते हैं। हम लोग एक बार फिर से हमारे GoPro में स्विच कर चुके हैं और बारिश रुक चुकी है तो GoPro तो निकलेगा ही। तो यहाँ आकर बारिश रुकने के बाद देखिए, अरे रे, तो बारिश थमने के बाद अभी यात्री फिर से दिखाई देने लगे हैं। सो हम लोग हेमकुंड साहिब का ट्रैक करके आ ही रहे थे और हमारा ये प्लान था कि वैली ऑफ फ्लावर्स भी घूम के आए, लेकिन हमें कुछ लोग मिले जो घूम कर आए एक दिन पहले। तो ये लोग सब हेलो, तो भैया पंजाब से, साउथ केरला, केरला, और आप एमपी से है, ओके ओके। तो आप लोग घूम कर आए तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हमने मिस कर दिया, ऐसा लग रहा था कि मत्ती आए, ऐसा लग रहा था वहीं बैठे रहे। यहाँ तो ऐसा लग रहा था ओह माय गॉड, हमारे टाइम तो ट्रैक ही बंद हो गया। तो आप लोग परसों जाके आए थे ना? हाँ,
लास्ट डे। काश हम वहीं फिर से रह पाते, काश। ये मुझे बोल बोल कर ये जला रहे हैं कि हम लोग घूम कर आ गए और तुम नहीं भाई। तो हमारे टाइम ट्रैक बंद हो गया। ट्रैक बंद क्यों किया गया? ट्रैक बेसिकली बंद इसलिए हुआ है कि वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है। अच्छा, वहाँ पर लैंडस्लाइड है, रिवर का फ्लो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, इसलिए उन्होंने बंद कर दिए। तो अभी तो बहुत लोग गए हैं आज। वही नहीं, उनको अभी मालूम नहीं है ना, क्योंकि कुछ पता चलता नहीं है उनको नीचे से। चेक पोस्ट है ना वहाँ का, वहाँ से आगे पता। थैंक यू। यात्रा पे आयो आप लोग, बहुत सुंदर लग रहे हो। पैदल ही आए? हाँ जी पैदल आया। फोटो ले, फोटो ले, फोटो ले। गाना ये गाए था रहे हमारे भाभी जी, फेस करो भाभी जी आगे। कौन से गाने को? पहाड़ी गाओ, पहाड़ी। चामला भूल जाना घासीला जो। हमारी यात्रा यहाँ कंप्लीट ही होने वाली थी। देखिए ये है उत्तराखंड का कल्चर। हम माड़ा गाँव जा रहे। माड़ा गाँव क्यों? माणा गांव में बहुत बार जाके आए। कह रहे हैं कि बद्रीनाथ की यात्रा बंद हुई पड़ी है, लैंडस्लाइड। छोटी गाड़ियाँ निकल रही, बस नहीं निकल रही होगी। सो फाइनली हमने जो हेमकुंड साहिब का ट्रैक है और दर्शन दोनों कर लिए हैं, और अब हम लोग पहुंच गए हैं भाई टैक्सी स्टैंड, और यहां से हमें गाड़ी मिलेगी नीचे जाने के लिए। तो यहां पहुंचते पहुंचते हमें माना गांव की कुछ लेडीज़ मिली, और उन्होंने हमें कल्चरल्स, मतलब बहुत मज़ा आया यार, पूरा ब्लॉग बहुत अच्छा है देखने के लिए। हमारी गाड़ी बिल्कुल तैयार है और अब हम लोग जा रहे हैं। हमें फुल्ला से गाड़ी मिल चुकी है, और देखिए पूरी गाड़ी एकदम बुक किया भैया ने। जब तक 10 सवारी नहीं होती है आगे हिलाते ही नहीं है गाड़ी को। तो अभी हमारी गाड़ी निकल पड़ी है, और ये देखिए फुल्ला गांव बहुत सुंदर है यार। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गुरुद्वारे के, और यहाँ पर देखिए हमने फिर से गुरुद्वारे में दर्शन किए और बैग उठाया, और बस अब जा रहे हैं। तो खाना वाना भी नहीं खाया, लेट ना हो जाए, सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ मिल जाए तो अच्छा है। तो अभी हम लोग गुरुद्वारे से निकले थे, हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग बद्रीनाथ के लिए चले जाएं, लेकिन बद्रीनाथ के रास्ते पर लैंडस्लाइड वगैरह हुई है तो वो रास्ता भी बंद है। तो अब हम लोग कहीं नहीं जा रहे, या तो हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए जो भी गाड़ी मिलेगी उसमें हम लोग जाएंगे। सो फाइनली हमें गाड़ी मिल गई, और मैं ये कहूँगा बाबा जी ने हमारी इतनी अच्छे से सुनी कि हम लोग यहाँ पर बस स्टैंड पर पहुँचे ही नहीं कि उससे पहले हमें गाड़ी मिल गई। देखो पूरी संगत के साथ हम जा रहे हैं ऋषिकेश। बाबा जी कितने जा रहे हैं? ऋषिकेश। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
आई होप सो आप लोगों को आज का हमारा वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।